हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं सिंह इज किंग यूट्यूबर को। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन RCM कंपनी में ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है RCM। RCM लिखने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, RCM बिजनेस ऑफिशियल ऐप। इसके ऊपर टैप कर देना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ 3 डॉट है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू DS इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्पॉन्सर नंबर डालने हैं, जिस बंदे ने आपको बताया इस कंपनी के बारे में उसके ID नंबर होते हैं, तो वो ID नंबर आपको देगा। तो आपको यहाँ पर ID नंबर डाल देना है। मैं मेरे भाई के ID नंबर डाल रहा हूँ आपके सामने। और प्रपोजल नंबर क्या होता है? प्रपोजल नंबर ये होता है कि मेरा भाई जो मुझे किस बंदे के पीछे लगाना चाहता है। अब मेरा भाई मेरे भाई है जो मुझे किस बंदे के नीचे लगाना चाहता है, वो प्रपोजल नंबर होता है। तो मेरा भाई मुझे मैं मेरे भाई के नीचे लगाना चाहता हूँ, तो मैं उन्हीं के नंबर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप चाहे तो सेम नंबर बुला सकते हैं, पर लेकिन उस बंदे से पूछ लेना कि भैया आप किसके नीचे मुझे लगाना चाहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे मेल, आप मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट कर देना है। मेल है तो मेल कर देना है। अगर आपकी मैरिड हो चुकी है तो मैरिड के ऊपर क्लिक कर देना है, नहीं तो अनमैरिड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आपका नाम टाइटल क्या है, मिसेज है या मिस्टर है, वो कर देना है। मिस्टर कर देना मुझे। और उसके बाद में आपको अपना नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। मेरा नाम दिलीप सिंह है तो दिलीप सिंह टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद में आपको एक फ़ोटो डालना है। जो फ़ोटो डालना है वो पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। मैं एक फ़ोटो यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, पर लेकिन आप जब भी फॉर्म में फिल करें तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके सामने कुछ ऐसा ही फ़ोटो डाल देता हूँ मैं। ये डाल दिया मैंने। और उसके बाद में आपको अपने पापा का नाम लिख देना है। और उसके बाद में वाइफ नेम एंड और उसके बाद में लिखना है आपको एप्लीकेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल देनी है। मेरी 15 है तो मैं आपके सामने ऐसे ही दिखा देता हूँ। और अब आपको नॉमिनी भरना है। नॉमिनी में आप चाहे तो अपनी माँ का डाल सकते हैं या अपनी वाइफ का डाल सकते हैं, तो मेरी माँ का डालता हूँ मैं। और उसके बाद में आपको डेट भी सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बाकी उम्र के हिसाब से आप देख लीजिए। और उसके बाद में आपका रिलेशन क्या है उसके साथ में वो यहाँ फिलअप कर दीजिए। और उसके बाद में नॉमिनी एड्रेस वो डाल दीजिए आप। मैं यहाँ पे राजसमंद डाल रहा हूँ, मेरा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है। तो और उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। मैं मेरा एड्रेस डाल रहा हूँ, आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। स्टेट राजस्थान, तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट राजसमंद है तो राजसमंद सेलेक्ट कर लेता हूँ। तहसील आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है, भीम, आप अपना डालिए। और पोस्ट भी आपको टाइप कर देना है, मेरा डाल रहा हूँ मैं।
उसके बाद में सिटी, सिटी मेरी बीम लगती है तो बीम ही है, और यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालता हूँ मैं, उसके बाद हमने मोबाइल नंबर डाल देना है। और एक दूसरा मोबाइल में नंबर भी डाल दीजिए, आप किसी का भी डाल सकते हैं ताकि अर्जेंट में आपको कॉल कर सके कोई भी। और ईमेल एड्रेस आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज होता है वो डालना है, और एड्रेस प्रूफ में आपको पीछे का जो बैक वाला हिस्सा होता है उसको डाल देना है। अभी आपको यहाँ बैंक की डिटेल डालनी होती है, बैंक नेम, बैंक कौन सी आपकी, और बैंक ब्रांच आपकी ब्रांच कहाँ है, और एक मिनट, ये बैंक ब्रांच स्टेट, ये आपको राजस्थान सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। पहले आपको बैंक सेलेक्ट करनी होगी, मेरी यूको बैंक है तो यूको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में बैंक ब्रांच राजस्थान है, राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में बैंक आ गए, मेरा जोधपुर में है तो मैं यहाँ पे नेहरू पार्क लिख देता हूँ, ये नेहरू पार्क आ गया। और उसके बाद में आपकी बैंक के नंबर हैं, अकाउंट नंबर आपके वो डाल दीजिए। और उसके बाद में आपके बैंक की डायरी है उसका फ्रंट पेज का फ़ोटो यहाँ अपलोड करना होता है। उसके बाद में पैन नंबर है आपके वो डाल दीजिए। अभी आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना होता है, आप नाम से पासवर्ड बना सकते हैं, किसी भी नाम से, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। आप अगर सिंपल से बनाना चाहते हैं तो मैं मेरे दिलीप नाम से D123456 ऐसे कुछ पासवर्ड रख देता हूँ। अभी कंफर्म डाल देना। अभी आपको यहाँ पर हिंट क्वेश्चन होता है, आप जब भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड भूलने के बाद में आपको ये व्हाट इज़ नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, अभी आपको सेलेक्ट करना, आप इसमें से कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल ये डाल देता हूँ। और हिंट आंसर, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल देना, अभी आप स्कूल का नेम, जब भी आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन होगा हिंट क्वेश्चन, उसको डाल देना। और एड्रेस नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर जो आपने डाला हुआ वो डाल देना है। उसके बाद में आपको अभी नीचे आना है आईडी नंबर, ये क्या होता है, ये वही होता है कि आपके जो मैं फैमिली मेम्बर्स में वो कौन लगा हुआ है इस कंपनी में, तो उसका आईडी नंबर डालना होता है। ये डाल देता हूँ मैं, और नेम अपना आप आ जाता है, और बर्दर है तो बर्दर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे इस टिक मार्क कर देना और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी सेलेक्ट करने के बाद में आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। रेफरेंस नंबर देने के बाद में आपको जो कंपनी है आरसीएम की, जहाँ पर भी आपको स्टोर है, बाज़ार हैं, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं रेफरेंस नंबर के द्वारा। उसके बाद में आपके आईडी नंबर आ जाएंगे।